नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। असानंदपुर में जल जमाव के कारण बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप, कभी भी फूट सकता है लोगों का आक्रोश। बांका एसपी अरविंद गुप्ता ने अमरपुर थाना का किया औचक निरीक्षण, अनुसंधान में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कही बात। भागलपुर में इंटर की छात्रा ने गले में फंदा डालकर की आत्महत्या, घर में मचा कोहराम। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र में तकनीकी सलाहकार समिति की हुई बैठक, राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने पर हुई चर्चा। और रक्तदान को लेकर एसएम कॉलेज में एनएसएस ने लगाया शिविर, छात्राओं में दिखा उत्साह। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के असानंदपुर में जल जमाव होने से लोग काफी परेशान हैं। बड़ा इमामबाड़ा के समीप नरकीय स्थिति उत्पन्न हो गई है। दरअसल यह मोहल्ला नगर निगम के वार्ड संख्या 14 के अंतर्गत आता है, लेकिन यहां नियमित रूप से साफ सफाई तक नहीं होती है। जबकि वार्ड में रहने वाले लोग नगर निगम को टैक्स की भरपाई करते हैं, लेकिन निगम प्रशासन मूलभूत सुविधाओं पर कभी भी ध्यान नहीं देता है। सिया समुदाय के गढ़ माने जाने वाले इमामबाड़ा के ठीक सामने पिछले एक साल से जल जमाव है। जल जमाव होने के कारण मोहल्ले में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है, साथ ही दुर्गंध के कारण आसपास के लोगों का बुरा हाल है। इतना ही नहीं, छोटे छोटे स्कूली बच्चे भी इसी रास्ते से आने जाने के लिए विवश है। वहीं मोहल्ले में पसरी गंदगी से लोग काफी आक्रोशित है। समस्या को लेकर जिला सिया वक्फ कमेटी के सचिव सैयद जीजा हुसैन ने कहा कि मुहर्रम का त्यौहार नजदीक है, फिर भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे। जबकि राजद के महानगर सचिव सैयद रागी हुसैन ने समस्या समाधान नहीं होने पर आंदोलन करने की बात कही। स्थानीय महिला ने कहा कि वोट लेकर पार्षद ने असानंदपुर की जनता को ठगने का काम किया है। वहीं इस पूरे मामले पर पार्षद अनिल पासवान भी लापरवाह दिख रहे हैं। ये मोहल्ला असानंदपुर है, जो कि बड़े बम्बाड़े के बगल का, ये आप जो देख रहे हैं ये एक साल से है। और यहाँ पर ये जमा जो है, ये नाली के ऊपर से वाटर ओवरफ्लो कर रहा है, और या नगर निगम या यहाँ के वार्ड काउंसिलर किसी का कोई ध्यान नहीं है। और ये बड़ा इमामबाड़ा जहाँ के शियों का एक बहुत बड़ा सेंटर है, मुहर्रम 10 दिन के बाद शुरू होने वाला है, और बाहर से भी लोग आते हैं, क्या स्थिति होगी इसको देख के, आप भी देख रहे हैं। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि डेंगू जो है अपना पैर फैला रहा है। यहाँ से बस नज़दीकी में लाल कोठी में 4-5 डेंगू के लोग पेशेंट डिटेक्ट हुए हैं। बम्बाड़े के पास जो पानी जमा है उससे अनेक समस्या हो रही है, वो हमेशा पानी जमा रहता है। अभी आने वाले समय में मुहर्रम भी आने वाला है, वहाँ बाजाबते मजलिस मातम में पूरा मोहल्ला लगा रहता है, मजलिस मातम होता है, वार्ड पार्षद को कोई मतलब नहीं है। देखिए अभी मैं जाकर वहाँ कूड़ा कचरा फेंका रहता है। इस मोहल्ले से वार्ड पार्षद को वोट तो जरूर मिला, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। एक साल से पानी जमा है, बाल बच्चा बीमार पड़ रहा है, पानी का कोई ये रास्ते का कोई ये नहीं होता। इतना बोलते हैं जा करके हुआ मुकाबले का किसको मगर कोई ध्यान नहीं करता, कोई ध्यान नहीं करता। बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने अमरपुर थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए थाना अध्यक्ष को कई दिशा निर्देश दिए। एसपी ने बालू माफियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वाहन चेकिंग एवं गश्ती तेज करने का आवश्यक निर्देश दिया। एसपी ने कहा कि केस अनुसंधान में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी के निरीक्षण के दौरान थाना परिसर में हड़कंप मचा रहा। इस मौके पर डीएसपी दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर वकील यादव, थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी सहित पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। समीक्षा की जो त्रुटियां पाई गई हैं, जो कमियां पाई गई हैं, उसको खत्म करने का निर्देश थाना अध्यक्ष और सभी अधिकारियों को दी गई। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त से हमारे पुलिस में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। हम लोगों का विधि व्यवस्था इकाई और अनुसंधान इकाई अलग अलग कर दिए गए। थाना में थाना प्रबंधक का पद सृजित किया गया है, ताकि थाना का कार्य सुचारू ढंग से चले। थाना में आने वाले जो भी आगंतुक हैं, जो भी पीड़ित हैं, उनके साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से, सद्भावपूर्ण तरीके से व्यवहार किया गया।
भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में इंटर की छात्रा ने फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। मृतक छात्रा की पहचान नूरपुर हरिजन टोला निवासी अनिल दास की 17 वर्षीय पुत्री प्रियंका कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतका के घर में कोहराम मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर उमड़ गई। घटना को लेकर मृतका के परिजनों ने बताया कि प्रियंका नूरपुर हाई स्कूल में इंटर की छात्रा थी। गुरुवार को घर के सभी सदस्य नाथनगर गुदरी बाजार सब्जी बेचने गया था। इसी दौरान मृतका ने पंखे में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने कहा कि बेटी की शादी की बात चल रही थी, इसी दौरान उसने यह कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय स्थित कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र बिहार झारखंड में गुरुवार को एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा ने की। इस दौरान कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के प्रधान सलाहकार डॉक्टर केएल प्रसाद ने तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों से कई बिंदुओं पर जानकारी ली। वहीं केंद्र के निदेशक डॉक्टर राम प्रवेश सिंह ने बताया कि वर्ष 2019-20 की अवधि में भारत सरकार कृषि मंत्रालय की ओर से केंद्र को 6 प्रोजेक्ट के पर्यवेक्षण और निर्धारित समय में निष्पादन की रणनीति की जिम्मेदारी मिली थी। बैठक में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने पर भी चर्चा हुई। भागलपुर एसएम कॉलेज में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से आई टीम ने पहले छात्राओं की स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके बाद रक्त एकत्रित किया। रक्तदान शिविर में कुल 26 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जिसे मायागंज के ब्लड बैंक में जमा कर दिया गया। इसके पूर्व शिविर का उद्घाटन प्राचार्या डॉक्टर अर्चना ठाकुर, एनएसएस की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अनुराधा प्रसाद, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर रोमा यादव, डॉक्टर तबस्सुम परवीन, डॉक्टर अंजू कुमारी और डॉक्टर आभा पूर्वे ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं प्राचार्या डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने शिविर में छात्राओं और शिक्षकों की भागीदारी पर प्रशंसा की और कहा कि रक्तदान महादान है। शिविर में डॉक्टर रोमा यादव ने छात्राओं को रक्तदान के फायदे बताए और किसे रक्तदान करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, इसकी विस्तार से जानकारी दी। वहीं ब्लड बैंक के काउंसलर सैयद नूर शम्स आरफिन ने कहा कि 18 साल की आयु का स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है और रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है। ब्लड डोनेशन 18 साल के बाद से 65 साल के एज तक किया जाना चाहता है और ब्लड डोनेशन से बहुत तरह का फ़ायदा है। एक तो सबसे पहली बात कि ब्लड डोनेशन देने से, ब्लड करने से समाज को फ़ायदा होता है, उसको और जो है बहुत तरह का जो एक्सीडेंटल है उसको ब्लड मिल जाता है और साथ में जो ब्लड डोनेशन देते हैं उनको भी बहुत तरह के फ़ायदा है। सबसे पहली बात कि उसको हार्ट डिजीज़ नहीं होती है, कम से कम हो जाती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म होता है, प्लस किडनी फेल के चांसेस कम हो जाते हैं और 18 साल के बाद से 65 साल तक सरकार के नियम के अनुसार वो ब्लड डोनेशन कोई भी कर सकते हैं, एक स्वस्थ आदमी ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिलेक्ट टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
कहलगांव अनुमंडल के पीरपैथी बाजार स्थित शिवालय के समीप अपराधियों ने ऑटो में सवार डावर कंपनी के सेल्समैन से बैग छीनने का प्रयास किया। घटना में असफल होने पर अपराधियों ने सेल्समैन और ऑटो चालक को गोली मार दी। दोनों घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भेज दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बुधवार को रसलपुर थाना क्षेत्र के कटोरिया निवासी सदाशिव झा का पुत्र पवन झा दुकानदारों से रुपए कलेक्शन कर ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहा था। इसी दौरान तरवा शिवालय के अपराधियों ने सेल्समैन से बैग छीनने का प्रयास किया, लेकिन बैग छीनने में असफल रहे अपराधियों ने गोली चला दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पीरपैथी पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। स्वच्छता अभियान के लिए देश भर में लोगों को जागरूक करने निकली एनसीसी कैडेट्स की साइकिल रैली पूर्णिया से जीबी कॉलेज नौगछिया पहुंची। एनसीसी कैडेट्स पैदल मार्च करते हुए नौगछिया रेलवे स्टेशन परिसर पहुंचे और लोगों को स्वच्छता और प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए जागरूक किया। वहीं नौगछिया एसपी निधि रानी, एसडीओ मुकेश कुमार, एनसीसी ब्रिगेडियर आरएल पात्रो एवं ग्रुप कमांडर ने संयुक्त रूप से कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर प्राचार्य शिवशंकर मंडल, एनसीसी ऑफिसर फिरोज अहमद समेत कई लोग मौजूद थे। यह मिशन 2 अक्टूबर तक चलेगा। गांधी जी का यह सपना था जिसे नरेंद्र मोदी स्वीकार किए और हम लोग भी इसमें सहमति दिए और आगे भी अपने गांव में, सबसे पहले हम अपने गांव से शुरुआत करेंगे जहां की स्वस्थ रहे हम लोग, जहां कचरा वगैरह से जो भी हो पहले हम अपने गांव से ही स्टार्ट करेंगे। यहां से जाने के बाद अपने गाँव में हम लोग इसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे। आज भागलपुर ग्रुप से और हम लोग भागलपुर ग्रुप से आए हैं। यहाँ गए थे हम लोग किशनगंज साइकिल रेस और ये हमारे गांधी जी का सपना था जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरा किया जा रहा है। हम लोग यहाँ से औरंगाबाद तक हम लोग का स्टॉपेज है और वहाँ से फिर मार्च करेगी दूसरी कंपनी। हम लोग यहाँ से बांका के उच्च विद्यालय पंजवारा में बुधवार को विद्यालय के निलंबित लिपिक संतोष कुमार झा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रभारी प्रधानाध्यापक विमल कुमार विनोद के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसके विरोध में गुरुवार को छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने स्कूल गेट के बाहर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने प्राचार्य पर हमला करने वाले आरोपी लिपिक और उसके सहयोगियों पर कार्रवाई करने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। छात्राओं ने स्कूल परिसर में सुरक्षा मुहैया कराने के साथ आरोपी लिपिक को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं विद्यालय के सभी शिक्षकों ने डीईओ को पत्र लिखकर आरोपी लिपिक पर कार्रवाई करने की बात कही है। संतोष झा अपने 3 अज्ञात बदमाश के साथ कार्यालय में आया और हमको बुलाया गया। उसके बाद श्री अजय कुमार सिंह और 1-2 मित्र थे जो टीचर थे जो अंदर थे, इन लोग को कह दिया गया कि आप बाहर चले जाइए कार्यालय से। उसके बाद जब कार्यालय से वो लोग बाहर गए तो मुझे धक्का मुक्की करने लगा और मैं किसी तरह वहाँ से जान छुड़ा करके अपने स्टाफ रूम में आया। इसके बाद श्री संतोष कुमार झा और उसके 3 अज्ञात लोग स्टाफ रूम में आए और वहाँ पर अपना बिरमन मांगने लगे। इसी बीच वहाँ पर उसे बिरमन देने के बाद लोग कहने लगा कि आपने जो गलत ढंग से आरोप लगाया है इसके विरुद्ध सादा कागज में लिख के दीजिए। से बहुत सारे लोगों को लेके आया सर को कार में बैठा के मारपीट के साथ जोर जबरदस्ती की गई, उन्हें उनकी अपहरण करने की कोशिश की गई। अभी हम चाहते हैं कि ये सब नहीं हो, इसको ना उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर से थोड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिला प्रशासन से हम मांग है कि उससे भी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम थाना प्रभारी महोदय और यहाँ के जो भी है प्रशासन है उनसे अनुरोध यही करना चाहते हैं कि स्कूल में जल्द से जल्द सुरक्षा दिया जाए। बांका बेलहर थाना क्षेत्र मध्य विद्यालय भगवानपुर के सहायक शिक्षक अरुण कुमार गुप्ता का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ है। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गुरुवार को मृतक शिक्षक विद्यालय से हाजिरी बनाकर साइकिल से बांका जीपीएफ कार्यालय जा रहा था। इसी दौरान सौताडीह गौवा चक गाँव के बीच सड़क किनारे सिंचाई के बनाए गए नाला में साइकिल समेत गिर गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। मृतक शिक्षक की पहचान मुंगेर जिला के नया रामनगर थाना क्षेत्र के सिद्धिया गांव निवासी के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है।
नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा परिषद की ओर से आनंद राम ढंढनिया सरस्वती विद्या मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं की झांकी, युद्ध में अर्जुन को कर्तव्य बोध भजन, श्री कृष्ण के बाल शाखाओं के साथ खेल की एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। साथ ही कृष्ण के शिशु स्वरूप के साथ कृष्ण जन्मोत्सव एवं बधाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माँ यशोदा, नंद बाबा, सुदामा, अर्जुन एवं अन्य की झांकियों ने सबका मन मोह लिया एवं पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मनोज कुमार मिश्र, उप प्रधानाचार्य रविशंकर पांडे, आचार्य ओम प्रकाश शर्मा, झांकी में भैया आर्यन, अभिषेक, अनुज, सुप्रीता सहित विद्यालय के सभी भैया बहन मौजूद रहे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। आसानंदपुर में जल जमाव के कारण बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप, कभी भी फूट सकता है लोगों का आक्रोश। बांका एसपी अरविंद गुप्ता ने अमरपुर थाना का किया औचक निरीक्षण, अनुसंधान में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कही बात। भागलपुर में इंटर की छात्रा ने गले में फंदा डालकर की आत्महत्या, घर में मचा कोहराम। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र में तकनीकी सलाहकार समिति की हुई बैठक, राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने पर हुई चर्चा। और रक्तदान को लेकर एसएम कॉलेज में एनएसएस ने लगाया शिविर, छात्राओं में दिखा उत्साह। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।